हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, देखो हमने नॉन लीनियर स्पेस को स्टार्ट करा है। अब उसके अंदर हम देखेंगे बनाक स्पेस के बारे में। जैसे रियल स्पेस है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है, वैसे ही आपके पास क्या है, बनाक स्पेस है। बनाक स्पेस में देखो है क्या, मैंने आपसे कहा कि नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कोशी सीक्वेंस हमें कन्वर्जन तभी होगी जब उसके पास क्या हो, उसकी हर एक सीक्वेंस के पास, हर एक कोशी सीक्वेंस के पास कन्वर्जन सब सीक्वेंस हो, ये कहा था। और कहा था कि कन्वर्जन कन्वर्जन सीक्वेंस किसी भी स्पेस में कोशी सीक्वेंस होती है। तो अगर कोई कोशी सीक्वेंस किसी भी, आपको मैं एक नॉन लीनियर स्पेस दे दूं और उसके अंदर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाती है, देखो किसी भी रिजल्ट को फेल कराने के लिए आपको एक से ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं होती, एक एग्जांपल काफी होता है। हो सकता है ना किसी उसके भी सब स्पेस, जैसे आगे हम पढ़ेंगे एलपी स्पेस, एल इन्फिनिटी स्पेस, एल टू स्पेस, एल टू एन स्पेस, ऐसे एल पी एन स्पेस, ऐसे हम स्पेसेस पढ़ेंगे, तो उसके अंदर भी हुआ किसी स्पेस में कोशी, ये सारे स्पेसेस, कुछ स्पेसेस इनमें से बनाक स्पेस होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो वो देखो, तो नॉन लीनियर स्पेस के अंदर आ रहे हैं ये सारे, ठीक है, इनको हम नॉम की हेल्प से शो करेंगे। तो वो स्पेस, मैं आपको कोई नॉन लीनियर स्पेस दे दूं, से एक्स एन कोई नॉन लीनियर स्पेस है, अगर एन के अंदर कोई कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए, नॉन लीनियर स्पेस है उसके अंदर अगर कोई कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो उस स्पेस को हम कहेंगे बनाक स्पेस। ओके, एन इज एनलेस, अगर कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए तो एन क्या बन जाएगा, बनाक स्पेस, बनाक स्पेस बन जाएगा। देखो यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली गई है कि उसके पास कन्वर्जन सब सीक्वेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो डीपली देखो अभी डेफिनेशन में ना बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसको हम जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा हम कैसे कैसे कह रहे थे। अभी बस ये ध्यान रखो कि अगर आप कोई कोशी सीक्वेंस लो और वो कन्वर्ज कर जाती है तो वो नॉन लीनियर स्पेस बनाक स्पेस बन जाएगा, इतनी सी बात ध्यान रखो। अब एक बात और देखो, मैंने आपको कहा था कि किसी भी स्पेस के अंदर कन्वर्जन सीक्वेंस को आप बहुत इजीली कोशी सीक्वेंस शो कर सकते हो, कर सकते हो। तो किसी भी स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट तो कोशी होती है ना, अब बनाक स्पेस के अंदर आपको कन्वर्स भी मिल गया कि कोशी कन्वर्जेंट, ये दोनों आपके पास मिल गए। तो क्या मैं ये कह दूं कि बनाक स्पेस के अंदर कोशी इफ एंड ओनली इफ कन्वर्जेंट, बनाक स्पेस का ये मतलब है, ठीक है। आप कोई कोशी सीक्वेंस लेके चले उसको वो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चले वो कोशी सीक्वेंस होगी। जब भी आप किसी भी स्पेस को आगे बनाक स्पेस शो करोगे ना, तो आप कन्वर्जेंट इंप्लाई कोशी के लिए तो डायरेक्ट रिजल्ट लगाओगे कि नॉन लीनियर स्पेस आपको गिवन है और उसके अंदर हर एक कोशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोशी होती है, बट कन्वर्स होल्ड नहीं करता। मैंने आपको अभी बताया था, कंडीशन दी थी, अगर हम उस कंडीशन को रहने दें तो क्या हरे उसमें कन्वर्स होल्ड करेगा। उन सबको आप उसी टाइम पे जब प्रूफ करेंगे ना हम उसका, तब आपको समझ आ जाएगा कि किसी स्पेस में करेगा, किसी किसी स्पेस में नहीं करेगा। ओके, तो बनाक स्पेस ये था। अब सब स्पेस क्या होता है, मान लो एक्स कोई बनाक स्पेस है, मैं सब स्पेस बता रही हूं बनाक स्पेस का, सब स्पेस कैसे होता है। तो वाई को कहूंगी कि सब स्पेस ऑफ बनाक स्पेस एक्स। अभी मैंने ये नहीं कहा कि वाई खुद बनाक स्पेस होगा, ये नहीं कहा है मैंने, लेकिन हाँ वाई नॉन लीनियर स्पेस जरूर होगा। क्यों, वाई कंटेंट है एक्स में, वाई इसका सब स्पेस है एक्स का, अगर वो उसका सब स्पेस है ना तो वेक्टर स्पेस तो है, क्योंकि हर एक वेक्टर स्पेस का सब स्पेस भी वेक्टर बनाता है अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन, जो सेम ऑपरेशन के अंडर वो सब स्पेस बनाएगा, बन गया सब स्पेस। अब मुझे एक बात बताओ, सब स्पेस का मतलब सबसेट, सबसेट में एलिमेंट कहाँ से निकल कर आएंगे, एक्स से निकल कर आएंगे ना। अब जो जो एक्स के एलिमेंट नॉन लीनियर स्पेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई ऑलरेडी कर चुके हैं, वही एलिमेंट वाई के अंदर जाएंगे।
और अगर वही एलिमेंट वाई के अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली वो नॉन लीनियर स्पेस तो बनेगा ही, तो चेक करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लिसिटली। अगर आपने चेक करना है आप कर लो, बट सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि कैसे कैसे काम होएगा, तो चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो वाई को मैं कहूंगी कि सब स्पेस होगा बनाक स्पेस एक्स का, ठीक है, और उसके ऊपर नॉर्म वही डिफाइन होगी जो इस एक्स के ऊपर होगी। तो वाई सब स्पेस है अगर बनाक स्पेस एस का, तो सबसे पहले तो वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। सब स्पेस के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, फिर वो नॉर्म लीनियर स्पेस भी होगा, और नॉर्म क्या होगी, वही नॉर्म होगी जो उसके इस एक्स पे डिफाइन है ना, जो नॉर्म वही नॉर्म इस पे आएगी, और इस नॉर्म को और वाई को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड नॉर्म ऑन एक्स। ओके।